हेलो फ्रेंड, मेरा नाम शिवशंकर है और आप देख रहे हैं मोबाइल मास्टर सिंह। मैं इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूं जियो फोन के सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम के बारे में। मैंने एक पहले भी वीडियो बना रखा है, अगर वो वीडियो आप नहीं देखे हैं तो प्रॉब्लम क्यों होता है और कहां से होता है तो आप मेरे कॉमेंट सेक्शन में जा सकते हैं, वहां पे मैंने लिंक दे दिया है, वहां से जाके आप मेरे उस वीडियो को देख सकते हैं कि परेशानी आखिर होता है क्यों और कौन से गलती करने की वजह से हमारा जियो फोन है जियो का iOS पे लिख के अटक जाता है या कि आगे नहीं बढ़ पाता है। और अगर आप अगर वो वीडियो देख के मेरे डिस्क्रिप्शन से लिंक को फॉलो करके इस वीडियो तक आए हैं तो मैं आपको बता दूं कि उस वीडियो में मैं प्रॉब्लम का सलूशन इसलिए नहीं बता पाया था क्योंकि मुझे वीडियो एडिटिंग में कुछ प्रॉब्लम हो गया था, एडिट नहीं कर पा रहा था मैं वीडियो को, इस चलते मैं उसमें सलूशन नहीं बता पाया था। तो एक बार से फिर स्वागत है मेरे पार्ट टू वीडियो में। आप इस वीडियो को देखें, मैं इसमें सलूशन आपको बता रहा हूं। तो देखिए, इस साइड में जो मेरे स्क्रीन पर आपको शो अप हो रहा है उसको आप फॉलो करते जाइए और आप सक्सेसफुली अपने सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम को बिना किसी कंप्यूटर के बिना किसी देखते हैं। अब देख सकते हैं यहाँ जो साइड में वीडियो आपको चल रहा होगा, आपको जो चल रहा हो उसमें आप देख सकते हैं। आपको सबसे पहले मोबाइल को ऑफ कर लेना है, ऑफ नहीं करिएगा तो बैटरी एक बार निकाल के आपको फिर से लगा देना है एक दो सेकंड के बाद। लगाने के बाद आपको मोबाइल को ऑन नहीं करना है, इस बात पे आप ध्यान दीजिए। यहाँ पर जो प्रक्रिया चल रहा है उसको आप फॉलो कीजिए। आपको समझ में नहीं आ रहा है तो मैं बता दूं कारण क्या है। आपको पावर बटन और जो बीचे होता है जो आपको वॉइस सर्च गूगल सर्च वॉइस सर्च का ऑप्शन मिलता है उसका अप बटन, यानी कि चारों बगल से बटन रहता है पिछला को, उसका अप बटन क्लिक करना है और पावर बटन को साथ में दबाए रखना है। कुछ देर दबाइएगा तो वाइब्रेट होगा, उसके बाद आपको इस तरह से देखिए इस तरह का कुछ इंटरफेस लोगों शो होगा। उसके बाद आपको करना क्या है, आपको उसके बाद करना है कि जो ग्रीन है जो फोन रिसीव करने के लिए जो बटन यूज होता है, ग्रीन बटन के ऊपर वाला जो बटन होता है जिसको मेन्यू चाहे मल्टीटास्किंग बटन कहते हैं, जो मेनू वाला बटन होता है उस पर आपको दबाए रखना है एक दो सेकंड तीन सेकंड उसको दबाए रखना है। और साथ ही साथ आपको यहाँ रेड वाला यानी दोनों लेफ्ट राइट का बटन आपको थोड़ा देर दबाए रखना है, एगो दबाए रखना है एगो दबाइएगा तुरंत, तो आपको इस तरह का कुछ देखिए इस तरह का कुछ शो हो जाएगा, आपको इस तरह का रिकवरी मोड शो हो जाएगा। उसके बाद आपको करना क्या है, उसके बाद आपको देखेंगे तो चौथे नंबर पर आपको लिखा होगा वाइप डाटा फैक्ट्री रिसेट। जी हाँ, यहाँ पे आप देखें वाइप डाटा फैक्ट्री रिसेट पे आपको जाना है, उस पर क्लिक करना है, डिलीट ऑल डाटा का फिर शो होगा, उस पर यस करना है। यस करने के बाद आपको कुछ मोबाइल बूट थी फिर कुछ स्कैन होगा, कुछ सर्चिंग होगा, कुछ डिलीटिंग होगा, उसके बाद वहीं पे जो आप रिकवरी मोड आपने ओपन किया था देखिए वहीं पे फोन आ गया है। अब आपको रिबूट नाउ का ऑप्शन सिलेक्ट करना है, तो आप देखिए फर्स्ट पे रिबूट नाउ का ऑप्शन है उसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद आपको 10 से 20 से 30 सेकंड सॉरी इतना लंबा टाइम मैंने 10 से 15 सेकंड में आपको फोन रीस्टार्ट होकर कंप्लीट ऑन हो जाएगा और फोन आपको बिल्कुल कुछ ऐसा मिलेगा जैसे आपने नया खरीदा था। उसको आप अपने तरीके से सेटअप कर लीजिएगा, आपका फोन कम्प्लीटली ऑन हो जाएगा। अगर इस वीडियो देखने के बाद भी आपको कोई परेशानी हो तो मेरे कॉमेंट में बताइए कि हमें यह दिक्कत आ रहा है। हाँ, अगर मैं बता दूं कि आपको यह ट्रिक केवल जियो मॉडल 90M के ऊपर ही काम करेगा, अगर कोई आपका दूसरा मॉडल है तो उसका मुझे कमेंट में बता दीजिए, मैं उसका भी वीडियो बना के आपको डाल दूंगा। थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और ऐसे ही टेक्नोलॉजी से भरा चाहे इस तरह का और भी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। भारत माता की जय।